अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजुकेशन गेट इजी विद जेनी। आज हम ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमें एंगल को बाइसेक्ट करना है इंटरनली पूरी तरीके से। अब हमें वो कैसे करना है, हम किस तरह करेंगे, हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चलिए देखते हैं। इसमें हमें कोई मेजरमेंट नहीं दी गई हुई, तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। इसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो ये है, एक परफेक्ट स्केल, अ पेंसिल एंड अ कंपास। बस हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। अब हम इसे ड्रॉ करना शुरू करते हैं। अच्छा, जैसा कि आप ये सवाल देख चुके हैं, तो इस सवाल में हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है, मतलब हम अपनी मर्ज़ी से इसको मेजरमेंट दे सकते हैं अपने लिहाज से। तो हम जो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप ये है कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हम 9 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने 9 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें क्या करना है, हमें अपना कंपास लेना है और 9 ही सेंटीमीटर की मेजरमेंट के हिसाब से इस पे आर्क लगाना है दोनों साइड से। ये हमने बना लिया। देन अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे दोनों लाइंस के साथ ज्वाइन कर लेंगे इस पॉइंट को। अच्छा जी, अभी हमारी दो लाइंस ज्वाइन हो गई हैं इस पॉइंट के साथ। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम अपनी मर्ज़ी की कोई भी मेजरमेंट ओपन कर लें। मेरी मर्ज़ी की मेजरमेंट ये है, मैंने कंपास में पेंसिल को लगाया और अपनी मर्ज़ी से मैंने ये मेजरमेंट ओपन कर ली। देन विद ऑन दिस पॉइंट और यहाँ पे एक ये इस तरह कुछ बना दिया आपने। देन इस तरह ये आपने ऐसे रखा और इसी मेजरमेंट के साथ यूं करके बना दिया आपने, सही है। अब ये आपकी सेम मेजरमेंट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपनी मर्जी की मेजरमेंट के साथ आपने इस पॉइंट पे रख के, ये जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर रखना है और अपनी मर्जी का आर्क खोल के यूं लगा देना। देन इसी तरह इस पॉइंट पर रखना और अपनी मर्जी का आर्क खोल के लगा देना। अब ये हमारे सारे आर्क्स बन गए। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे। ये इसका है तो हम इसके साथ इसको ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट के साथ, ठीक है। थोड़ी सी एक्सटेंडेबल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। इसी तरह हम इसको भी कर देंगे इस साइड से और हमने इसको क्रॉस में करना है। यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है और हम यहाँ
बनाते हैं इसको। यहाँ पे भी हम थोड़ी सी एक्सटेंडेबल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब बची ये जगह, इसको भी हम कर देंगे। यहाँ पे भी हम थोड़ी एक्सटेंडेबल लाइन ड्रॉ करेंगे। सारी लाइंस अब आपस में ज्वाइन हो गई है, तो अब ये हमारा बाइसेक्टेड एंगल तैयार हो गया है। ये अगर आपको इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन चाहिए होगी तो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने किस तरीके से लिखी है। बहुत इजी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है इन इजी वर्ड्स। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।